हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक मिनी सीरीज, यानी इसमें आपको 4 से 5 मिनट या बहुत ज़्यादा 7 मिनट का वीडियो मिलेगा, जिसमें आपका एक टॉपिक जो बहुत कंफ्यूजिंग होता है वो आपका क्लियर हो जाएगा कि ये क्रोनोलॉजी होती है। जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं छूट जाती हैं, तो वो चीज़ हम कवर करेंगे यहाँ पे एक टॉपिक से रिलेटेड। कोई भी जैसे किसी भी खेल से कप हो गया, कितने कप रिलेटेड है, तो सब हम यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर हम ट्रिक भी उसकी बताएंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। तो चलिए इस सीरीज के स्टार्ट करते हैं। ये पहला वीडियो होगा। इसमें हम लोग देखेंगे मगध के एम्पायर्स को कि क्या क्रोनोलॉजी थी उनके राज करने की, जो भी एक सबसे पहले कौन सा वंश आया, उसके बाद कौन सा वंश आया, तो ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मगध के बारे में, थोड़ा जान लेते हैं। मगध बिहार वाला रीजन है, आप बिहार में देखेंगे तो वो वाला रीजन मगध का है। मगध की पहले कैपिटल थी राजगिरी, उसके बाद ट्रांसफर होकर कैपिटल क्या हो गई इसकी, पाटलिपुत्र हो गई। पहले राजगिरी थी, बाद में कैपिटल ट्रांसफर होके पाटलिपुत्र हो गई। सिक्स्थ सेंचुरी बीसी की बात है, तब 16 महाजनपद थे और मगध भी एक महाजनपद ही था। 16 महाजनपद थे, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो था मगध था। इन 16 महाजनपदों का वर्णन किससे मिलता है, तो आप लोग बताएंगे अंगुत्तर निकाय से इन 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। तो मगध के बारे में हम लोग बात करेंगे प्रॉपरली। तो मगध में 6 डायनेस्टीज ने रूल किया है, 6 वंश जो हैं उन्होंने राज किया है मगध के ऊपर, मगध एम्पायर के ऊपर। तो उन 6 वंशों के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए देखते हैं, तो डायनेस्टीज के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली डायनेस्टी जो थी वो हर्यक डायनेस्टी थी। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, आप लोग सही कर लीजिएगा। हर्यक डायनेस्टी जो थी वो सबसे पहली डायनेस्टी थी और इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक थे बिंबसार। दूसरी डायनेस्टी इसके बाद जो रूल करने वाली आई वो थी शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी के संस्थापक भी शिशुनाग थे, उन्होंने अपने नाम पर ही इस डायनेस्टी का नाम रखा था। उसके बाद जो डायनेस्टी आई वो नंद डायनेस्टी थी। नंद डायनेस्टी के संस्थापक महापद्मा नंद थे। नंद के बाद आप लोगों को पता है उनको डिफीट करके कौन आया, मौर्य डायनेस्टी आई। मौर्य डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे इसके संस्थापक। उसके बाद सुंगा डायनेस्टी आई, सुंगा डायनेस्टी के संस्थापक थे पुंस्यमित्र सुंग सुंगा डायनेस्टी के संस्थापक थे। उसके बाद कर्ण डायनेस्टी आई, इसके संस्थापक थे वासुदेव। तो ये 6 डायनेस्टी थी जिन्होंने मगध पे रूल किया। इनका अधिकतर पूछ लिया जाता है आपसे क्रोनोलॉजी, तो आपको बताना है सबसे पहले हर्यक आए, फिर शिशुनाग आए, फिर नंद आए, फिर मौर्य आए, फिर सुंग आए, फिर कर्ण आए। ये करके आए, इन्होंने ही मगध पर क्या किया, रूल किया प्रॉपरली। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन हो जाता है आपकी, मौर्य डायनेस्टी हो जाती है। तो 6 डायनेस्टीज ने रूल किया है मगध के ऊपर, ये आपको क्लियर होना चाहिए और इनके संस्थापक क्लियर होना चाहिए। हर्यक के मैंने बताया आपको बिंबिसार, शिशुनाग का मैंने आपको बताया शिशुनाग ही है, नंद के महापद्मानंद है, मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य है, सुंग के पुंस्यमित्र सुंग हैं और कर्ण के वासुदेव हैं। चलिए ट्रिक देख लेते हैं, इसकी ट्रिक क्या होगी। अगर आप ट्रिक से याद करना चाहें तो इसकी ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी ट्रिक होगी हरी साई नंद मेरे सिरणी के। ये ट्रिक अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको सारी डायनेस्टीज याद हो जाएंगी। चलिए देखते हैं कैसे। हरी से हो जाएगा आपका हर्यक, क्या हो जाएगा, हरी से आपकी हर्यक डायनेस्टी हो जाएगी। साई से हो जाएगी आपकी शिशुनाग डायनेस्टी, साई से क्या हो जाएगी आपकी, शिशुनाग डायनेस्टी हो जाएगी। नंद से आपकी कौन सी डायनेस्टी हो जाएगी, नंद डायनेस्टी हो जाएगी। मेरे से आपका मौर्य डायनेस्टी हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, मौर्य डायनेस्टी हो जाएगी। और सिरणी से आपकी सुंग डायनेस्टी हो जाएगी, सिरणी से एस आपसे पता कर सकते हैं सुंग डायनेस्टी हो जाएगी। के से सिरणी के से आपकी कर्ण डायनेस्टी हो जाएगी। तो इस ट्रिक से आप सारे जो भी एम्पायर्स थे मगध के उनकी क्रोनोलॉजी याद कर सकते हैं, हरी साई नंद मेरे सिरणी के, इससे आप याद कर सकते हैं। हरी से हर्यक, साई से शिशुनाग, नंद से नंद वंश, मेरे से मौर्य डायनेस्टी और उसके बाद श्रेणी से सुंगा डायनेस्टी, के से कर्ण डायनेस्टी। तो ये ट्रिक थी और ये क्रोनोलॉजी थी जिस तरीके से मगध पे रूल किया गया, जो एम्पायर्स आए उन्होंने रूल किया, ये उसकी क्रोनोलॉजी थी पूरी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही शॉर्ट वीडियोज़ आपको 4 या 5 मिनट के डेली पूरे हफ्ते में एक एक वीडियोज़ आपको 1 बजे मिल जाएंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए इस वीडियो के बारे में आपके क्या फीडबैक है और आपको किस टॉपिक पे अगला जो है किस शॉर्ट वीडियो जो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए कीप वॉचिंग बेटू पाठशाला। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको अगला जो शॉर्ट वीडियो चाहिए वो किस टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए।